आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम अपना सेकंड चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, हमने कल के वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत के प्रकारों के अंतर्गत दो प्रकार के बारे में पढ़ा और उसमें हमने सबसे पहले जो मानकीय सिद्धांत है, जिसे परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज उसी श्रृंखला में हम दूसरे प्रकार, राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे प्रकार अनुभववादी या आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से है, अनुभववादी सिद्धांत या आनुभाविक सिद्धांत, या इसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, उसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है और ये माना जाता है कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विचारक थे, उन्होंने परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत राज्य, सरकार, मूल्यों आदि पर बल दिया जाता था, उसके स्थान पर नवीन विचारों पर, नवीन सिद्धांतों पर बल दिया और ये माना कि शक्ति के बिना राजनीतिक व्यवहार जो है वो अधूरा है और राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों के स्थान पर तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि नई शब्दावली के साथ राजनीतिक सिद्धांत का जो दूसरा प्रकार है अनुभववादी, वो अस्तित्व में आया। इसकी कतिपय विशेषताएं जो आपको स्लाइड में भी दिख रही हैं, उसमें नंबर एक है अध्ययन मुक्त। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है उसे अध्ययन मुक्त सिद्धांत कहा जाता है। अध्ययन मुक्त का ये मतलब नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया जाता। इसका तात्पर्य है कि इसका कोई एक निश्चित क्षेत्र या परिधि नहीं होती। जैसे परंपरागत सिद्धांत में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, सरकार, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अध्ययन पर बल दिया गया, यहाँ उन सब से ऊपर उठकर विषय क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया। अब व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व, किसी से भी संबंधित कोई भी घटना हो, कोई भी तथ्य हो, उनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। राजनीति शास्त्रियों के अंदर यह भावना थी कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार भी बनाया जाना चाहिए। जैसे कि परंपरागत में हमने काल्पनिक स्वरूप ज़्यादा देखा, चाहे वो प्लेटो का आदर्श राज्य हो या हेगल की विश्वात्मा, हमने हर जगह उस अध्ययन में केवल और केवल दर्शन, कल्पना का पुट देखा। लेकिन अनुभववादी जो सिद्धांत था, आधुनिक जो सिद्धांत है, वो जो व्यवहारिक स्थिति है उसके अध्ययन पर बल देता है। दूसरी विशेषता आती है अनुभव पर आधारित। आधुनिक जो सिद्धांत रहा या अनुभववादी जो सिद्धांत है, वो यथार्थवादी है और यथार्थवादी होने के कारण व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। अधिकांश जो अनुभव अध्ययन है वो अनुभव पर आधारित है, जो कि पर्यवेक्षण, माप, तार्किक युक्ति संगतता के आदि जो तकनीक होती हैं उन पर आधारित है। इसमें वस्तुपरकता जो है वो ज़्यादा हावी है, आत्मपरकता गौण हो जाती है। इसी कारण इसे आनुभविक सिद्धांत या अध्ययन भी कहते हैं। तीसरा जो विशेषता है वह अंतः अनुशासनात्मक। राजनीतिक सिद्धांत का आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र के साथ अब संबंध टूट चुका है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वाले मानते हैं कि अगर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए तो दार्शनिक जो तकनीकें होती हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नई प्रवृत्ति जो है वो ये कहती है कि राजनीति के अध्ययन को अगर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाज विज्ञान
जैसे सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ दिया जाए तो इस विषय के नियमों को व्यवहार परक जांच पड़ताल के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी अब जो राजनीति है वो केवल राजनीतिक विषयों पर आधारित नहीं है, बल्कि अन्य जो सामाजिक जो विज्ञान के विषय हैं उनके साथ संबंधों पर बल देती है। अगला है मूल्यों पर कम बल। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो चूंकि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यही कारण है कि वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद जुड़ गया। इसका अर्थ क्या है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान के स्वयं के मूल्यों जब अनुसंधान करेगा तो स्वयं के मूल्यों और धारणाओं को अलग रखकर करेगा और उसके अध्ययन पर मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता होनी चाहिए और यही कारण है कि मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल दिया गया है। अगला है विकास की ओर उन्मुख। आधुनिक राजनीति शास्त्री इस तथ्य से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे कि उनकी विषमगत संस्थाएं जो हैं उनका अध्ययन जो है वो अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जा रहा है और अब इसे नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। और यही कारण है कि ईस्टर्न, डहल, केटलिन जैसे जो राजवैज्ञानिक थे उन्होंने स्वायत्त अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान को स्थापित करने का प्रयास किया और राज सिद्धांत के जो निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता इनके विषय में परिचर्चा की और ये माना कि अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वो विकास की ओर उन्मुख, अब जो कुछ हो गया या एक काल्पनिक स्वरूप उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा बल्कि इससे विकास किस प्रकार हो सकता है उस पर बल दिया जाएगा। अगला है शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से राजनीतिक वैज्ञानिक जो है उन्होंने साधारणीकरणों, व्याख्याओं और सिद्धांतों के निर्माण में स्वयं को लगा दिया। अब जो सिद्धांत था वो कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित हो गया, यानी शोध किया जाएगा और शोध के बाद ही सिद्धांत को परिपक्व अवस्था में लाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि जो चाहे वो कुछ कह दिया और राजनीति विज्ञान में शामिल हो गया। अब उस विषय पर पूर्ण रिसर्च की जाएगी, तत्पश्चात ही उसे सिद्धांत का रूप दिया जाएगा। यानी शोध और सिद्धांत एक दूसरे के पूरक बन गए। अगली विशेषता है मौलिक समाज विज्ञान के रूप में। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो समाज विज्ञानों को कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा सकें। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनमें कार्य करने की ऐसी प्रबल भावना थी कि इसके लिए वे अपने आप को विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषता विकसित करना चाहते थे, अनुशासन में स्वायत्तता लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को ग्रहण किया। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता जो है वो चूंकि स्वतः ही प्रमाणित है इसलिए समाज विज्ञानों में राजनीतिक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। यानी जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उसमें चूंकि राजनीति विज्ञान जो है उसकी अपनी एक अलग मौलिकता है, अलग उसकी विशेषता है और यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण समाज विज्ञानों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगली विशेषता है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन। व्यवहारवादी क्रांति हुई उस समय ऐसा लग रहा था कि राजनीति विज्ञान जो है वो विशुद्ध विज्ञान बन गया है और पूरी तरीके से अराजनीति विज्ञान हो गया। यानी अब चूंकि विज्ञान बन गया है तो राजनीति से अराजनीति विज्ञान हो गया है। किंतु जब उत्तर व्यवहारवादी युग शुरू हुआ तो फिर से मूल्यों, नीतियों और समस्याओं को जोड़ा गया। निष्कर्षों के लाभ को शैक्षिक चूँकि शैक्षिक जगत को देने की इच्छा थी, अपितु राजनीतिज्ञों न सिर्फ शैक्षिक जगत बल्कि राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के पास भी उन निष्कर्षों को पहुंचाना प्राथमिकता थी और यही कारण है
की व्यापक समस्याओं के मूल्यांकन पर बल दिया गया। अब केवल कुछ समस्याएं नहीं बल्कि बहुत विस्तृत समस्याएं जैसे परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, पिछड़े जो राष्ट्र हैं उनके विकास की समस्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या, राष्ट्रवाद, इन सब समस्याओं के समाधान पर भी बल दिया जाने लगा। अगला अंतः अनुशासनात्मक राजनीति विज्ञान जो है, चूंकि जैसा हमने पूर्व में भी पढ़ा कि अंतः अनुशासनात्मकता पर अनुशासन की स्वायत्तता, राजनीति विज्ञान में अनुशासन की स्वायत्तता पर भी बल दिया गया। यानी यह माना गया कि एक विषय है, स्वतंत्र विषय है राजनीति विज्ञान, अन्य समाज विज्ञानों की तरह जैसे हर विषय की अपनी सोच होती है, वैसे ही राजनीति विज्ञान जो है उसकी अपनी सोच है, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी समस्याएं और उस समस्याओं का समाधान करने की अपनी मनोवृत्ति है। तो अलग अलग अनुशासन यानी अलग अलग विषय और उन विषयों की स्वायत्तता की मनोवृत्ति। तो अगर हम देखें आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के अंतर्गत या जिसे अनुभविक सिद्धांत भी कहते हैं, तो हम ये मानेंगे कि व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आई उसे ही आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब जो ये आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत था उसके निर्माण के भी कतिपय चरण बताए गए हैं। ऐसे ही नहीं अनुभवात्मक सिद्धांत बनते हैं, कैसे बनते हैं हम क्रम से इन चरणों को यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। तो पहला आता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। जैसे परंपरागत में था, कोई भी समस्या है, समस्या को एक रूप दिया, अमूर्त रूप है उसको एक मूर्त रूप देने के प्रयास किया, कल्पना के रूप में उसका चित्रण कर दिया। जैसा कि हमने प्लेटो के आदर्श राज्य में देखा, शासक कैसा होना चाहिए, न्याय सिद्धांत क्या है, साम्यवाद, शिक्षा, ठीक है ना, तो वो एक काल्पनिक स्वरूप है। यहाँ पर जो आनुभविक सिद्धांत है वो अब किस प्रकार से व्यवहारिक राजनीति का प्रतिपादन हो, उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, उसको विभिन्न चरणों के माध्यम से बताते हैं। तो उसमें पहला चरण है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। जब एक राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले उसे विषय का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि जब वो विषय को चुनेगा उसके पश्चात ही वो अध्ययन कार्य के तरफ अग्रसर हो सकेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि विषय का चुनाव कर लिया और अध्ययन कार्य में संलग्न हो गया, इससे क्या होगा, वो एक अथाह अंधकार की स्थिति में आ जाएगा। तो अब आवश्यकता इस बात की होती है कि जो राजवैज्ञानिक है वो अपनी कल्पना, अनुभव या अन्य सूत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर अपने अध्ययन के विषय को के संबंध में एक सामान्य अनुमान लगा ले और उसे अनिश्चितता के भंवर में ना फंसना पड़े और उससे उसे आगे बढ़ने का एक आधार मिल सकेगा। इस अनुमान के पश्चात ये जो अनुमान है इसे ही परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना, जब एक परिकल्पना कर ली जाती है किसी विषय पर तो फिर उसके पश्चात निष्कर्ष और उसकी सत्यता की परीक्षा शेष रह जाती है। सामयिक रूप से अगर हम कहें कि जब कोई परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है तो उसे कुछ तत्वों के साथ शामिल कर लिया जाता है और अन्य तत्वों के विषय में अनुसंधान की दिशा में एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करती है। और जैसे जैसे अध्ययन कार्य आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कल्पनाएं जो हैं वो तथ्यों के आधार पर वास्तविक कसौटी पर खरी उतरती चली जाती हैं। यानी पहले एक कल्पना करना, फिर उसके पश्चात तथ्यों का संकलन करना और तथ्यों के संकलन के पश्चात वो जो कल्पना है वो एक यथार्थ स्वरूप लेने लगती है, तब जो संदेह होता है वो समाप्त हो जाता है कल्पना और वास्तविक तथ्य के बीच, और एक यथार्थ जो वादिता है वो राजनीतिक सिद्धांत में उभर कर आने लगती है।
चरण का पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तथ्यों का निरीक्षण एवं संकलन। अब हमने परिकल्पना कर ली, तथ्य एकत्रित कर लिए। अब ये नहीं है कि तथ्य एकत्रित हो गए और हमारा सिद्धांत बन गया। तथ्यों को एकत्रित करने के बाद में उनका अवलोकन किया जाएगा और उनका संकलन भी किया जाएगा। कई बार होता है कि कोई तथ्य हम देखते हैं और उसमें हम सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाते हैं, और यही कारण है कि उन तथ्यों को बहुत अच्छी तरीके से निरीक्षण किया जाता है, फिर उनका संकलन किया जाता है, और तब ये माना जाता है कि संकलन निरीक्षण की कसौटी पर ये तथ्य जो है वो सही सिद्ध हो चुका है। अगला बिंदु, संकलित तत्वों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण। अब तथ्य हो गए, तथ्यों को का संकलन भी हो गया। अब उस संकलन के आधार पर हम कह दें कि वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो जो संकलित तथ्य हैं उनको समानता और भिन्नता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिसे कि वर्गीकरण भी कह सकते हैं। यानी जो संकलित तथ्य हैं उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाएगा, तत्पश्चात उसे और अधिक स्पष्ट एवं बोधगम्य स्वरूप प्रदान करने के लिए उनको सारणी के रूप में बनाया जाएगा। यानी सारणियां अलग अलग बना दी जाएंगी ताकि विश्लेषण करने में सरलता हो सके। इसके बाद में आता है चौथा और अंतिम बिंदु, वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। यानी आनुभविक सिद्धांत निर्माण का अंतिम चरण, जो हमने परिकल्पना की, तत्पश्चात तथ्यों का निरीक्षण और संकलन किया, उन संकलित तत्वों का हमने वर्गीकरण किया, उसके बाद उसे सारणी के रूप में प्रतिबद्ध किया। अब इसके अंतिम चरण की ओर हम अग्रसर हो गए, जिसमें वैज्ञानिक सामान्यीकरण यानी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचना और उसके आधार पर नियम को प्रतिपादित करना। एकत्रित जो तथ्य होते हैं उनका वर्गीकरण सारणीकरण हम जब कर लेते हैं तो उसका विश्लेषण करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। तथ्यों का विश्लेषण या व्याख्या किसी भी अनुसंधान की मूलभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा इस प्रकार से तो जो संकलित तथ्य होंगे वो निरर्थक होंगे और अध्ययन का कोई भी परिणाम निकालना संभव नहीं होगा। इसीलिए तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या के सामान्यीकरण के बिना अनुसंधान या शोध का कार्य जो है वो अपूर्ण रह जाएगा। इसीलिए अंतिम चरण के रूप में वैज्ञानिक सामान्यीकरण यानी जो राज वैज्ञानिक है उसके द्वारा उस परिकल्पना के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना और उस निष्कर्ष के आधार पर एक नियम का प्रतिपादित करना, यह आनुभाविक सिद्धांत निर्माण का अंतिम चरण कहा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो दूसरा प्रकार है अनुभववादी या आनुभाविक सिद्धांत, वो यूं ही कोई शोध, यूं ही कोई विषय जो है उसको राजनीति विज्ञान में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि एक शोध की सामान्य प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वैज्ञानिक स्वरूप धारण करता है और तत्पश्चात एक नियम जो है वो हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत जो है वो परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक नए आयाम की ओर अग्रसर हो रहा है।